इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों की चुनावी रैलियां जारी हैं और दोनों पार्टियों के दिग्गज कैद बेलगाम में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपने उम्मीदवारों को जिताने वोटरों से मांग कर रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस कैद सतीश जारकिहोली की ज़बरदस्त चुनावी रैली का अहतमाम नई गांधीनगर में किया गया। साबिक कारपोरेटर अजीम पटवेगार के जेर मातहत इस इजलास का अहतमाम किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस हिमायतों ने शिरकत फरमाई। कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली का शानदार इस्तकबाल किया गया। साबिक कारपोरेटर अजीम पटवेगार के घर पर गुलपोशी शालपोशी का अहतमाम किया गया। इस वक्त साबिक MLA जनाब फिरोज सेठ भी मौजूद रहे। दिगर मेहमानान में आसिफ राजू सेठ, फैजान सेठ, नज़ीर पटवेगार और दिगर कांग्रेस जिम्मेदारान शरीक रहे। मेहमानों के इस्तकबाल में पटाखों की आतशबाजी की गई। न्यू गांधीनगर में मेन रोड पर दोनों तरफ सैकड़ों की तादाद में आवाम का हुजूम देखा गया। कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली ने तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए आने वाले 17 तारीख को कसीर तादाद में वोट कर कामयाब बनाने की गुजारिश फरमाई। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। उज्ज्वल नगर में भी कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली को जिताने के लिए आवामी इजलास का अहतमाम किया गया था, जिसमें साबिक MLA जनाब फिरोज सेठ ने आवाम को मुखातिब होकर आने वाले हालात किस कदर नाजुक हैं, लिहाजा कांग्रेस उम्मीदवार को जिताकर मुल्क में फिरका परस्त हुकूमतों को इख्तदार से उतारने का ऐलान किया। भाजपा एक फिरका परस्त पार्टी है और मुल्क के भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है, लिहाजा कसीर तादाद में वोट कर मुल्क के सेक्युलर ढांचे को बरकरार रखने की भी बात कही। इसके बाद जनाब आसिफ राजू सेठ कोरोना मर्ज के दोबारा बढ़ने पर फिक्र जताते हुए अंजुमन आपके खिदमत के लिए तैयार है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करने चाहिए, ऐसी हिदायत फरमाई। कांग्रेस यूथ साबिक सदर जनाब फैजान सेठ ने उज्ज्वल नगर वालों की सेठ साहब से मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। इस इजलास के रूह रवा जनाब फजल खान पठान ने जनाब फिरोज सेठ के खिदमत को सराहते हुए कहा कि आपने जिन कामों को अंजाम दिया इसके लिए उज्ज्वल नगर की आवाम और जमात के तमाम जिम्मेदारान आपके बेहद शुक्रगुजार व ममनून हैं, लिहाजा एक बार फिर आप आने वाले चुनाव में शहर के मुख्तलिफ इलाकों के तरक्याती कामों को अंजाम दें जो अब तक रुके हुए। लिहाजा कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली को कसीर तादाद में वोट करने की भी बात कही। तमाम मेहमानान की गुलपोशी उज्ज्वल नगर जमात की जानिब से फरमाई गई। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो हम आज फैसला करेंगे कि 95% लेंगे या तो फिर करेंगे ही नहीं, क्योंकि क्या जरूरत है इतनी मेहनत करके जो आप सब करेंगे और कुछ लोग आराम करेंगे तो उसमें कुछ फायदा नहीं। वो जो आपका हैंड का सिंबल है उसको बटन दबा बराबर, बाकी जो भी लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनकी बड़ी पार्टियां होंगी वो लोग कंट्रोल करते होंगे। तो आपके पास शिकायत का मौका हो जाएगा, ये हक हमारे पास है और ये हक का हम हमारा मेरी जिम्मेदारी कि 1 लाख लोग वोट करते हैं बेलगाम शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम तालुका में आपकी उम्मीद इसलिए है कि यहाँ की जितनी पांचों जमातें लेके जाके सिखाना है बचपन से, फिर बेटा संभालने लगता है। ये जमात का काम, मस्जिदों का काम से के एकजुट होकर के एक साथ में बहुत डिसिप्लिन से, थोड़ा भी डी डिसिप्लिन हो जाए दबाएंगे, मगर आपको ये काम करना है। आप सब
इनके दिल में बसते हैं, उसमें ना कोई शक है, ना कोई डाउट है, ना कोई कुछ होना चाहिए कभी भी। 2023 के लिए 2.5 साल बाकी है, समझ लीजिए कि वो आपका वनडे इंटरनेशनल है और ये आपका उसके पहले का ट्रेनिंग कैंप। आप सबसे यही एक दरख्वास्त है मेरी, मैं आप सभी से वक्त नहीं लेना चाहूंगा, 11 बज चुके हैं, 11:30 होने आ रहे हैं। 17 तारीख को सबके सब की अपना फर्ज समझकर बाहर निकलिए। कांग्रेस ने एक कैंडिडेट चुना है, की है वही शिद्दत से, वही प्यार से 17 तारीख को अपना फर्ज निभाए। आप सबका ये फर्ज समझिए, आप सबने मुझे ये प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब रहते थे, अशोक पुरी सब रहते थे, अफजल भाई है, समीर है, सभी बच्चे काम किए। जब वैक्सीन की बात आए तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैंने एक महीने पहले वैक्सीन ली, 5 मार्च को ली थी। मैंने कहते हैं कि सिविल में बिम्स में उनको फ्री वैक्सीन दी जा रही है, अगर वहाँ रश जाती रही तो देखी हो है। 7 बजे से बैठे हैं क्योंकि सेठ साहब की जो है मोहब्बत हमारे दिल में है, इसके लिए जो है हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, समझे क्या। तो और सेठ साहब जो है बहुत कुछ काम किए हैं, और आते ही जो है सेठ साहब जो है माइक लेकर जो है हमें नसीहत देने का काम किए, और हम इंशाल्लाह हमारे सेठ साहब की नसीहत पर हम लोग अमल करेंगे, और जो है सुबह 7 बजे उठकर जो है इंशाल्लाह वोटिंग का भी काम करेंगे, और सेठ साहब बहुत अच्छा मास्क भी पहनेंगे इंशाल्लाह। और हमें आज सब मैं सब हमारे उज्जवल नगर के भाई हैं और हमारे 6 जमात के सदर हैं, आज हमें बहुत बड़ा अफसोस है सर कि जो है आज इतना आपने डेवलपमेंट किए, सिर्फ थोड़ा काम बाकी है, ये जो स्ट्रीट लाइट जो है आज उसको कनेक्शन देने नहीं हो रहा बीजेपी के MLA को, आज हमें बहुत बड़े अफसोस की बात है। इंशाल्लाह 2023 में फिर से हम आपको लाइट नहीं अभी लगाएंगे साहब, एक जो है MLA नहीं बल्कि जो है मिनिस्टर लेवल में हम देखना चाहेंगे आपको। ये हमारी आपको दिल से मोहब्बत से दुआ है साहब। अल्लाह आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी करे।